डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर डिजीज हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? इट इज राइज इन ब्लड प्रेशर बियॉन्ड नॉर्मल लिमिट, मीन्स 120/80 mmHg जो होता है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। इस ब्लड प्रेशर से अगर आपकी रेंज बढ़ रही है, मीन्स 140/90 अगर हो गई, इट मीन्स आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं। ठीक है, और कह रहे हैं इसमें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन द नॉर्मल एवरेज ऑफ ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि यह डिफरेंट एज में अलग अलग भिन्न भिन्न एज में इसकी रेंज अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, अगर आप एडल्ट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 45 साल की है तो आपका ब्लड प्रेशर 150/90 होगा। अगर आपकी एज 60 है तो आपका ब्लड प्रेशर 160/100 mmHg होगा। तो इस कारण बस जो एवरेज है, नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर की निकाल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसमें दो स्टेज है ब्लड प्रेशर की, तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है। फर्स्ट स्टेज में अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/139/80/89 mmHg है तो आप प्रथम श्रेणी के हाइपरटेंसिव पेशेंट माने जाएंगे। द्वितीय श्रेणी में क्या है, सेकेंड स्टेज में अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 या उससे ऊपर है, उससे ऊपर का मतलब 170 अगर हो सकता है, या 90 या उससे ऊपर है, यानी कि 110 हो सकता है mmHg, तो आप सेकेंड श्रेणी के हाइपरटेंसिव पेशेंट माने जाएंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए 200/160 mmHg अगर हो जा रहा है तो क्या होगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक है, या तो आपके ब्रेन की नसें फट सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ठीक है, यह तो था आपका हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाइपोटेंशन क्या होता है? हाइपोटेंशन वह डिजीज होती है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से नीचे आ जाता है, मतलब 120/80 mmHg पारा, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक है, और यह क्या हो गया, अगर इससे नीचे गिर जाएगा ब्लड प्रेशर, मीन्स आपका हो जाएगा 90/70 mmHg, तो इसे आप कहेंगे लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, यह आपका लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो अब इसी को कहते हैं कि अगर नॉर्मल रेंज से अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे है तो आप लो ब्लड प्रेशर रेंज में आ जाएंगे। अगर 90/70 से भी नीचे अगर आपका ब्लड प्रेशर गिर जा रहा है तो क्या होगा, यानी कि आपका ये हो गया 70/50/40, ठीक है, mmHg। ठीक है, तब क्या होगा, तब आपको सॉफ्ट या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके वजह से आप मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो होगा 70/50 होने पर यह चीज़ हो सकता है। अगर 70/50 से अगर नीचे आ जाएगा, 60/40 अगर आ जा रहा है तो क्या होगा, mmHg अगर आपका ब्लड प्रेशर आ गया तो क्या होगा, आपको पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस क्यों होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर आपका कितना है, 120/80 mmHg है। ठीक है, इतना इसलिए है क्योंकि इतने में आपके शरीर में जो ब्लड है, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड जो हार्ट पंप करता है, वो शरीर के सारे पार्ट पे पहुंच जाता है आसानी से, इसलिए इसको नॉर्मल रेंज माना गया है 120/80 को। इसको अब नॉर्मल रेंज इसलिए नहीं माना गया क्योंकि अगर इतने स्पीड से जा रहे तो सारे शरीर के हिस्सों तक ब्लड वेंस के थ्रू पहुंच जा रहा है। अगर 90/70 या 60/40 होगा तो आपका हार्ट पंप जो है सही से नहीं कर पाएगा, तो ब्लड क्या हो सकता है, आपके शरीर के हर हिस्सों में नहीं जा पहुँच पाएगा, तो सॉफ्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या पैरालिसिस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपके शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं काम करना बंद कर देंगे। तो यह था आपका हाइपोटेंशन और हाइपोटेंशन से होने वाली डिजीज़ के बारे में।